दोस्तों, ग्रीस कंट्री का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? एंशंट सिविलाइजेशन, सैंडी बीचेस, हजारों आइलैंड्स और हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ग्रीस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोज यूज़ करता है, लेकिन बावजूद इसके ग्रीस की लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, जो इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाता है। ग्रीस में 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छी बात यह है, मोस्टली सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ग्रीस की बेस्ट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज। ग्रीस पॉपुलर है इंटरनेशनल बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स जैसे प्रोग्राम्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 3 से 4 साल तक के होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 से 2 साल तक के होते हैं। दोस्तों, ग्रीस में डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स भी बहुत पॉपुलर है, जो सिर्फ 6 से 7 महीने तक का होता है। बैचलर प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम की एनुअल फी 2000 यूरो से 5000 यूरो तक होती है। मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीस में अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं। इसके मायने ये हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, लो ट्यूशन फीस है और ऑथराइज्ड हैं। पढ़ाई देश में जाते वक्त जो बात सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है वो है एकोमोडेशन, और ग्रीस गवर्नमेंट ने सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑथराइज्ड और रिलायबल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप सभी रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स के नाम देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप एफोर्डेबल आउटसाइड कैंपस एकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। बात करें पार्ट टाइम जॉब्स की, तो जी हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। पॉपुलर डोमेन है हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टूरिज्म, सर्विस जॉब्स इन कैफेज और रेस्टोरेंट्स, और अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी है तो आपको इंग्लिश ट्यूटर की जॉब भी मिल सकती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़ आप ग्रीस में 12 महीने तक रह सकते हैं अपनी पसंद की जॉब सर्च करने के लिए। इस वीडियो के एंड में आप चेक कर सकते हैं एवरेज सैलरी स्लैब्स इन ग्रीस फॉर फुल टाइम जॉब्स फॉर एंट्री लेवल। बाकी आपकी अपने स्किल्स और टैलेंट्स पे भी मैटर करता है। अगर आप भी अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहते हैं तो ग्रीस को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। वैसे आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी न्यूजीलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन जैसे देशों में हायर स्टडीज़ की डिटेल्स सबमिट करी हुई हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।